आज ये देश की किसान की जीत है, किसान आंदोलन की जीत है और ये ऐतिहासिक जो जीत हुई है किसान की, ये उन 681 लगभग 700 किसानों को समर्पित है जिन्होंने अपनी जान की कुर्बानी दी। जो लोग किसान को नकली बताते थे, आज उनको एहसास हुआ कि इनकी वोट असली है, इसीलिए इन्होंने कदम अपने पीछे हटाए। तो आज किसान का अभिनंदन करते हैं। लेकिन लोकतंत्र की दोबारा से हत्या हुई है, ना तो चर्चा पारित कराते हुए हुई और ना ही इनको निरस्त कराते हुए चर्चा हुई। ये लोकतंत्र नहीं ठोकतंत्र है। लेकिन जो है आज किसान की बड़ी जीत हुई है। अगर मेरी बात ये पहले मानते, जो मैं शुरू से कहता था, ये पीछे हटने वाले लोग नहीं हैं, ये नासमझ लोग नहीं हैं, ये अपने हकों की पहरेदारी करना जानते हैं, तो आज ये परिस्थिति ना पैदा होती। और आज भी मेरी सरकार से ये है कि आज ये बाकी मांगों को भी सरकार किसान की बातों को माने, नहीं तो आगे भी परिणाम सरकार ने जिस तरह की स्थिति बनाई उस तरह की परिस्थिति बनेगी। पीपल हु आर सिटिंग इन एसी स्टूडियोज एंड कॉलिंग देम नकली किसान हैव रियलाइज दीज नकली किसान हैव असली वोट। दैट इज़ वाई टुडे दिस रिपील एक्ट एंड दीज 3 laws have been taken back. It is a big victory for the farmers of the country. It is a big victory for the farm agitation, and this victory is dedicated to the 681 lives of farmers which were laid down during the course of this agitation. I had been warning the government. I warned the government 1 year back that these farmers are not going to go back home without taking their share. And today, what the forewarning we had given has been proven right. And I again warned the government that government should talk to the farmers about the rest of the remaining demands. Otherwise, the same warning which I had given 1 year back will be applicable in this case also.